इधर गुरुग्राम के राजेंद्र पार्क क्षेत्र में शनि मंदिर में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन वीर सिंह उर्फ बीनू फौजी द्वारा कराया गया, जिसमें शहर के गणमान्य व्यक्तियों और राजेंद्र पार्क महिलाओं और पुरुषों ने भाग लिया। तो मुख्य कथावाचक वक्ता अंजलि किशोरी ने भगवत गीता की कथा से सभी श्रोताओं का मन मोह लिया। इसी कड़ी में अंजलि ने कहा कि श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है। गीता के उपदेश श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिया था और उनको धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहन किया था। कथावाचक अंजलि ने बताया कि गीता मनुष्य को जीवन जीने की सही राह दिखाती है। भैया बैठ जाओ, जहाँ जिसको जहाँ जगह मिले थोड़ी थोड़ी, अभी अभी तो बैठना है, आराम से शांत हो जाओ। को चले जाते हैं, ये सत्य है, इसमें संशय नहीं है। यहाँ पापात्मा जन्म ले ही नहीं सकती, ये देवभूमि है। लेकिन कुछ ऐसा है समाज में कि धार्मिक कार्यों में कुछ राक्षसी प्रवृत्तियां उत्पन्न हो जाती हैं, तो उनको ध्यान में ना देते हुए अपने कार्य में रत्न रहना चाहिए, यही हमारे महर्षियों की वाणी है। धर्म कार्य क्षेत्र में